खबर मुंबई से अगली। 3 मंजिला इमारत मुंबई में गिर गई, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लोगों को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, शाहबाज गांव में ये बड़ा हादसा हुआ और ये बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर जाती है। फिलहाल सवाल यही खड़े किए जा रहे हैं कि अगर ये बिल्डिंग खतरे में थी तो इस बीच समय रहते जो लोग थे उनको बाहर क्यों नहीं निकाला गया। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बिल्डिंग इमारत भरभराकर गिर जाती है, लोग अंदर मौजूद हैं, यह आशंका जताई जा रही है। फिलहाल उसी के चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो टीमों के द्वारा चलाया जा रहा है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, मशीनों को बुलाया गया है, साथ साथ में हाथ की सहायता से भी यहां पर मलबा हटाया जा रहा है। मौके पर टीमें आपको नजर आ रही है। 3 मंजिला ये इमारत थी और 3 मंजिला इमारत फिलहाल गिर गई और ये बहुमंजिला इमारत गिरने की वजह से कई लोग अंदर दब गए हैं, जिनको बचाना पहली प्राथमिकता। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंबई से, जहां पर एक तरफ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, उस बीच अचानक से ये पूरी इमारत गिर जाती है। जैसे ही इमारत गिरती है लोगों को आवाज सुनाई देती है, आसपास में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तुरंत सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है, साथ साथ में जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी मौके पर पहुंचती हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें सुबह सवेरे आपकी स्क्रीन पर, जहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, ये 3 मंजिला इमारत गिर जाती है, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नवी मुंबई की ये तस्वीरें जहाँ पर ये हादसा हुआ है। राहत और बचाव का कार्य इस वक्त चल रहा है। ये 3 मंजिला इमारत जो कि भर भरा कर गिर गई है और इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है, जिन्हें यहाँ से मलबा हटाने के दौरान जल्द से जल्द निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।